आज हम लोग यशवेंद्र के फार्म हाउस पे हैं और यहाँ पर इन्होंने 13 बीघे में सरसों की खेती और आलू की खेती की है। और ये महीना जो है वो नवंबर का पहला महीना है। और इस खेती की खासियत ये है, यहाँ दो अलग अलग टाइमिंग में ये पहले बोया गया और ये सरसों बाद का है। तो यहाँ मैं बता रहा था कि यहाँ खासियत ये है कि इस खेती में 70% जो है जैविक चीज़ों का प्रयोग हुआ है और 30% जो है वो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ से यागवेंद्र जी से थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूँगा, और बहुत युवा किसान है तो उनसे मैं बात करता हूँ। जी यागवेंद्र जी नमस्कार, नमस्कार। काफ़ी युवा लग रहे हैं, और ये बताएं कि अभी आपकी एज क्या है? हमारी एज है 15 साल। अच्छा, 15 साल के एज में इतनी बड़ी सोच। तो जैविक के बारे में कैसे चीज़ें आपकी जानकारी हुई और जैविक के साथ आप आगे बढ़े? यहाँ पे हम लोग रह रहे थे, मतलब खेती वेती कर रहे थे, और यहाँ पे लोग हैं अविनाश जी सर, वो आए तो उन्होंने कहा जैविक खेती करो, तो हमने कहा देखते हैं ये भी करके। तो उन्होंने कहा आधा आधा इसका मिश्रण करो, जैविक और रासायनिक का, तो आधा आधा % हटाते जाना। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने इसमें डाला तो ज़्यादा पैदावार बढ़िया निकली। तो हमने कहा चलो यही किया जाए, इसी को डाला जाए। तो हमने कहा इसको डाला जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो जैसे सरसों की खेती देख रहे हैं और आलू में भी आपने काफ़ी कुछ देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रोथ है, दूर आलू लगी है। चलिए मैं थोड़ा सा उसको दिखाऊं। और ये आलू जो है वो 10 दिन पहले लगी है, और भूमि में इनकी जो भूमि थी उस भूमि में जैसे बता रहे हैं कि बालुई और नॉर्मल मिट्टी मिली हुई है, और यहाँ की जो पैदावार की रेशियो थी रासायनिक के कारण काफ़ी घटी हुई थी। ये है आलू, और इस आलू में इन्होंने प्रयोग किया है एक्वाजेल नैनोटेक का, शुरुआत में मिट्टी में। और नैनोटेक क्या करता है कि आलू की जो गुणवत्ता है उस आलू की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और एक्वाजेल करता है जो पानी से संबंधित जितनी समस्याएं हैं या आलू के ग्रोथ में, आलू को बड़ा मोटा और स्वाद में बदलने में वो चेंजिंग करता है। तो यहाँ शुरुआत में दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, और जैसा कि ये बता रहे हैं आगे इसमें ह्यूमिक का और Agri-82 का छिड़काव करेंगे। सरसों की खेती में इन्होंने ह्यूमिक और Agri-82 का मात्र प्रयोग किया है, और इस तरह से ये शानदार रिजल्ट निकल करके आई है। थैंक यू।